Good morning to all students. Students, today we are doing revision of our poems. So firstly, we will start a home poem. Here is a nest for the robin. यहाँ nest किसके लिए है? Robin के लिए. Cup both hands together. अपने both hands को cup की shape दो. And this has become the nest for the robin. Here is a hive for the bee. बी के लिए क्या है? हाइव है. पुट फिस्ट टुगेदर. फिस्ट मीन्स क्या होता है बेटा? लाइक दिस. इट्स अ मुट्ठी बनाते हैं ना जैसे हम. पुट फिस्ट टुगेदर, अपने फिस्ट को एक साथ लाओ. हेयर इज अ हॉल फॉर द बनी. बनी का होम कौन सा है? हॉल. फॉर्म अ सर्कल विद बोथ हैंड्स. अपने दोनों हैंड से क्या बनाना है? सर्कल. एंड देयर इज अ हाउस फॉर मी. और मेरा और देयर इज अ हाउस फॉर मी. और यहाँ क्या है? मेरा घर. पुट फिंगर टिप्स टुगेदर ओवर हेड. हेड के अंदर, हेड के ऊपर अपनी दोनों फिंगर टिप्स को क्या रखोगे? एक साथ रखोगे. अ नेस्ट इज अ हाउस फॉर अ रॉबिन. नेस्ट किसका हाउस है? रॉबिन का. कप बॉथ हैंड्स टुगेदर. अ हाइव इज अ हाउस फॉर अ बी. और हाइव किसका हाउस है? बी का. पुट फिस्ट टुगेदर. आपको किसको पुट करना है? फिस्ट को एक साथ. अ हॉल इज अ हाउस फॉर अ बनी. और बनी का हाउस कौन सा है? हॉल. फॉर्म अ सर्कल विद बोथ हैंड्स. अपने दोनों हैंड से सर्कल क्रिएट करो. तो ये किसका हाउस बन गया? बनी का. बट अ हाउस इज अ हाउस फॉर मी. लेकिन जो मेरा घर है वो तो हाउस ही है. पुट फिंगर टिप्स टुगेदर ओवर हेड. अपने फिंगर टिप्स को कहाँ रखना है? हेड के ऊपर. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड योर पोएम. नाउ कम टू द बुक वर्क पार्ट. सो ओपन पेज नंबर 34. सी, क्रॉस द वर्ड्स दैट डू नॉट साउंड द सेम एज द वर्ड्स इन द बॉक्सेस. बेटा इट जस्ट लाइक अ राइमिंग वर्ड्स. Whose rhyme is different, we have to cross that particular word. Hall, shop, mall, roll. Whose rhyming is different? Shop. Me, tree, leak, see. Whose sound is different? Leak. So we have to cross this word. Nest, best, bean, rest. Whose sound is different? Bean. So we have to cross the bean. Now come to our next poem. Now we are doing our next poem revision. I have a box of crayons. So open page number 55. I have a box of crayons, all shiny, straight and new. मेरे पास क्या है? Crayons का box. कैसा है? सभी शाइनी हैं, स्ट्रेट हैं और न्यू हैं. आई लेंट अ फ्रेंड वन क्रेयॉन. मैंने अपने एक फ्रेंड को अपना एक क्रेयॉन यूज़ करने के लिए दिया. एंड ऑप्स इट ब्रेक्स इनटू टू. अरे ये तो दो हो गया. माय फ्रेंड सेज शी इज सॉरी. मेरी फ्रेंड ने कहा कि वो सॉरी फील कर रही है. बट आई से आई डोंट केयर. लेकिन मैंने क्या कहा? मुझे कोई परवाह नहीं. Now we both can color with one crayon. अब हम दोनों एक ही क्रेयॉन के साथ कलर कर सकते हैं. We can share. So ये पोएम हमें क्या सिखाती है? We should do sharing. कि हमें क्या करनी चाहिए? हमें sharing करनी चाहिए. Now come to the bookmark. So open page number 56. Find one word from the poem that rhymes with these words. Band, land, lorry, sorry, care, share. Beta, you have to read the poem carefully and you have to try to make the rhyming words. Okay, जरूरी नहीं है कि जो आपको rhyming words दिए गए हैं words, आपको उन्हीं की rhyming बनानी है. आपको और भी words की rhyming words बनाने की efforts करनी है. Okay, बेटा, bye bye and have a nice day.